अनकरीब उम्मीद तो है कि विद इन 6 मंथ्स यहाँ पे पोजेशन का चांस है कि जो टैक्सेस लगे हैं उसकी वजह से रेट्स जो है वो थोड़ा सा अभी डाउन हुआ है। और एक बार ग्रीन में भी यही सूरत हाल है कि जो रेट्स हैं वो थोड़े से पहले से अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ज़ैरबिन इजाज फ्रॉम बिलियनेयर प्रॉपर्टीज़ आज दोबारा आपके साथ आईवे ग्रीन की एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे DHA आईवे ग्रीन के बारे में और इसके रेट्स के मुतल्लिक और आज हम आपको बताएंगे कि जो मार्केट की जो करंट सूरत हाल है वो क्या चल रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईवे ग्रीन के, तो आपको सब जानते हैं कि आफ्टर टैक्सेस जो कि नॉन फेलर पे टैक्सेस लगे हैं या जो फेलर टैक्सेस लगे हैं, उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो टैक्सेस लगे हैं उसकी वजह से रेट्स जो है वो थोड़ा सा अभी डाउन हुआ है। और आईवे ग्रीन में भी यही सूरत हाल है कि जो रेट्स हैं वो थोड़े से पहले से डाउन चल रहे हैं। मतलब अगर आप देखें तो 5 मरला 10 मरला या कनाल में भी तो जो है रेट है वो थोड़ा सा माइनस में आया है। तो अगर हम देखें एक बेस्ट टाइम बाइंग का तो वो भी यही है, जिन्होंने घर बनाना है उनके लिए तो बेस्ट टाइम है। और जो इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं नॉन पोजेशन में रेट्स अभी भी कंपेरेटिवली दूसरे फेज से रेट कम है। तो आई रिकमेंड कि आप सब 5 मरला में जो इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि 5 मरला में मिनिमम भी अगर आप देखें तो 65 लाख में आपको प्लॉट मिल रहा है। तो ये आने वाले कुछ अरसे में यहाँ पोजेशन तो डेफिनेटली मिल रहा है। तो पोजेशन के बाद आपको इस एरिया में या पूरे DHA लाहौर में या किसी भी सोसाइटी में आपको इतने में प्लॉट नहीं मिलता। तो 5 मरला में देखें तो 65 लाख है, 10 मरला में अगर हम देखते हैं मिनिमम तो 110 to 130 है, डिपेंड ऑन लोकेशन है। और कनाल में अगर हम जाते हैं तो कनाल में अभी भी वहाँ पे आपको 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 25-30 लाख में आपको पोजेशन प्लॉट मिल रहा है। तो पोजेशन प्लॉट आप आए लें और आप कल घर बनाना स्टार्ट कर दें, तो इससे अच्छी जो आपको लोकेशन है या इससे अच्छी एवरी लोकेशन पे आपको 2 करोड़ में प्लॉट मिल रहा है, पोजेशन मिल रहा है DHA लाहौर में, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो आई थिंक कि जो लोग अभी घर बनाने का सोच रहे हैं वो आईवे ग्रीन को ज़रूर एक बार विज़िट करें, क्योंकि इस टाइम आप जितने घर बन रहे हैं वहाँ पर ये बेस्ट टाइम है कि आप बिफोर टाइम प्लॉट लेके आप घर स्टार्ट कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये भी रेट आपको इतने में नहीं मिलेगा। क्योंकि DHA लाहौर एक सबके सामने एग्जांपल है कि वहाँ पे आपको रेट ऊपर जाते नज़र आएंगे जहाँ पे घर बनते नज़र आएंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ मार्केट की सूरत हाल पर, तो आप सब जानते हैं थोड़ा सा मार्केट स्लो कुछ अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान की जो देखें कुछ मौशी हालात की वजह से भी है और कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से है, क्योंकि जो टैक्सेस कुछ इंप्लीमेंट हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। नॉन फेलर पे जो है वो 7% टैक्स इंप्लीमेंट हुआ है, जो कि एक बहुत ज़्यादा टैक्स है। एक बंदा जो नॉन फेलर है वो टैक्स इतना बियर नहीं कर सकता, क्योंकि नॉन फेलर का मतलब अगर वो एक कनाल पे 7 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ आपको वो उसको टैक्स देना पड़ रहा है BR का, इसके अलावा CVT स्टैम्प ड्यूटी ये सब डाल के तो आपको 15-16 लाख रुपये में पड़ रहा है। तो फेलर को भी देखें तो वो भी 7-8 लाख रुपये एक्सपेंस चला गया है, जो कि पिछले को 3 माह पहले वो 4 लाख रुपया था। इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा रुका हुआ है, क्योंकि अभी जो इन्होंने फॉर सेल पे जो इन्होंने पहले एक लिमिट थी कि आप 3 साल बाद आप प्लॉट बेचते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगता, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी है, वो भी अनइम्प्लीट कर दी है, जिस वजह से थोड़ा सा मार्केट अभी थोड़ी सी स्लो है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में कोई टैक्सेस पे कोई नेगोशिएशन होगी या फिर कोई बेहतरी आने का चांस बिल्कुल है, क्योंकि प्रॉपर्टी चलेगी तो जो हमारी गवर्नमेंट है ये आपसे टैक्सेस कलेक्ट करेंगी, क्योंकि जो टैक्स आपको रेवेन्यू आपको प्रॉपर्टी दे रही है इससे अच्छा टैक्स आपको आई डोंट थिंक सो कि कोई और आपको इंडस्ट्री दे सकती है। क्योंकि पिछले 2-3 साल में देखें तो प्रॉपर्टी ने जो टैक्स इकट्ठा किया है वो रेवेन्यू अगर रिकॉर्ड रेवेन्यू FBR का है तो वो प्रॉपर्टी की वजह से है, क्योंकि प्रॉपर्टी चलती रही है तो फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट को भी हुआ है। और जैसे आप सब जानते हैं आईवे ग्रीन के बारे में जो हमने आपको बताया हुआ है कि पोजेशन जो है 1-3 वहाँ पे आने वाला है Z3, Z4 और Z5 में, जो उसकी कुछ हमारे जो हैं क्लाइंट्स ने हमसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी किए थे कि हमारी जो बड़ी रोड है 100 फीट रोड है ये कब तक बन रही है। तो इंशाल्लाह जल्दी ही वहाँ से 100 फीट रोड जो है Z4 और Z6 को कनेक्ट करती है, Z3 को कनेक्ट करती है, उस पर काम वगैरह हो रहा है और वो इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगी। और अनकरीब उम्मीद तो है कि विद इन 6 मंथ्स यहाँ पे पोजेशन का चांस है, क्योंकि कंफर्म न्यूज़ हम नहीं दे सकते क्योंकि DHA ने अभी तक कोई डेट नहीं दी, तो इसलिए। लेकिन जो डेवलपमेंट जारी है और जो काम वहाँ पे हो रहा है और जो हम देख सकते हैं इस टाइम, वो आई थिंक विद इन 6 मंथ्स वहाँ पोजेशन आ सकता है। तो बेस्ट टाइम है वहाँ पर इस टाइम बाइंग का, जो लोग नॉन पोजेशन में
जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखें तो अगर टैक्सेस भी लगे हैं तो इन्वेस्टमेंट अभी भी वहाँ पे लो प्राइस इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लिहाज से अगर आप देखें तो अभी भी वहाँ पे रेट कम है। तो ये आप देखें किसी भी फेज़ में चले जाएँ तो आपको इतने में प्लॉट नहीं मिलता, तो जहाँ पर आपको मिल रहा है वो एवी ग्रीन है, तो इसको आप अभी आप इसको बाय करें, और आज आप बाय करें इंशाल्लाह कल आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम आपके साथ ऑन ग्राउंड जाएंगे और ऑन ग्राउंड आपको जाके दिखाएंगे इस टाइम के कितने जो घर बन चुके हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है, और जो नॉन पोजेशन एरिया है वो कब तक पोजेशन आ जाएगा, वो ऑन ग्राउंड वीडियो में आपको ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ऑन ग्राउंड जाएंगे, तब तक गुजारिश जाए, अल्लाह हाफिज़।